हेलो एवरीवन, यह है सीआरपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 15। ठीक है, 14 पार्ट्स तक हम पहले बना चुके हैं, तो उन्हें आप पहले देखिए, उसके बाद इस पार्ट पर आइए। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत लगन से आप इन क्वेश्चंस को देखिए और लर्न कीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। रेमेडीज अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कोड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट्स में और सेक्शन 125 सीआरपीसी में रेमेडीज दी गई है, उसमें क्या बताया गया है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखिए, ए मुस्लिम वूमन डेजर्टेड बाई हर हस्बैंड विदाउट डिवोर्स इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट इन द केस होम। मतलब मुस्लिम वूमन जिसको कि बिना डिवोर्स के छोड़ दिया गया है हस्बैंड के द्वारा, तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। किस में बताया गया है? तो ये था मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम। इसमें बोला था कि इरेस्पेक्टिव टू रिलीजन्स ए वुमन कैन क्लेम मेंटेनेंस इन सीआरपीसी। ठीक है, किसी भी धर्म की हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज वाइफ इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। ठीक है, अगर अडल्ट्री में रहती है तो वो क्लेम नहीं कर सकती। इफ विदाउट सफिशियंट रीजन्स रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड, तो भी नहीं कर सकती, कोई सफिशियंट रीजन ही नहीं, अलग रह रही है। इफ़ द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, तो भी वह क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग मे ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर सीआरपीसी। देखिए कि कौन जो है ना मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकता है वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स को, पेरेंट्स के लिए सीआरपीसी में, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट देखिए, हु इज नॉट एंटाइटल टू एनी मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी, किसको एंटाइटल नहीं किया गया मेंटेनेंस के लिए? डिवोर्स्ड वाइफ एंटाइटल है, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ ये भी एंटाइटल तो है, थर्ड देखते हैं इललेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है, और फिजिकली एंड मेंटली एबल अडल्ट सन, ये एंटाइटल नहीं है। ठीक है, देखो डिवोर्स्ड वाइफ एंटाइटल है, जुडिशली सेपरेटेड वाइफ मतलब जुडिशली उनका डिवोर्स हो गया वो भी है, इलेजिटिमेट चाइल्ड ये भी है लेकिन माइनर होना चाहिए, बात ये है। ठीक है, डी फिजिकली एंड मेंटली एबल, यहाँ पे अडल्ट वर्ड यूज हुआ है ना इसलिए, तो ये मेजर में आ जाता है, अडल्ट सन फिजिकली एंड मेंटली एबल है तो वह नहीं कर सकता। अंडर सीआरपीसी ए मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ऑर्डर टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एट द मंथली रेट ऑफ, कोई फिक्स नहीं है, एज मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ए डॉटर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हर फादर, ए फादर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हिज माइनर चाइल्ड, ए सन कैन बी, ये तो सही है कि फादर को मेंटेन माइनर चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, ए सन कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हिज फादर, सी भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए डॉटर को मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं इन केस वह खुद एम्प्लॉयड हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं हमें उसके हिसाब से चलना होगा, हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, द कोर्ट कैन फोरफिट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ, कि जो मेंटेनेंस मिल रहा था उस राइट को फोरफिट कर सकती है कोर्ट, किस ग्राउंड पर? रीमैरिज, सेक्शुअल इमोरलिटी, ओनली ए एंड नॉट बी, आइदर ए और बी। तो देखिए, अगर री मैरिज कर ली है तब भी वह राइट को फोरफिट करेगी कोर्ट, और अगर सेक्सुअली इमोरलिटी है, ठीक है, यानी अडल्ट्री में है, तब भी फोरफिट कर लेगी, तो हमारा आंसर होगा डी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिवोर्स्ड हिंदू वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, डिवोर्स्ड हिंदू वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है किस एक्ट में? हिंदू मैरिज एक्ट ओनली,
हिंदू मैरिज एक्ट एंड CRPC 1973, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू मैरिज एक्ट डी इन ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, हिंदू मैरिज एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच केस इट वॉज हेल्ड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एट अ मैरिड डॉटर इज ऑल्सो लाइबल टू मैंटेन हर पेरेंट्स। ठीक है, मैरिड डॉटर भी अपने पेरेंट्स को मैंटेन करने के लिए लाइबल है। किस में कहा गया, विशाया मनोहर अर्बट वर्सेस काशीराव। देखिए, मैरिड डॉटर इज ऑल्सो लाइबल टू मैंटेन हर पेरेंट्स, विशाया मनोहर अर्बट वर्सेस काशीराव के केस में। अंडर सेक्शन 125 CRPC ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर ए पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज। ये क्या कह रहे हैं कि जो JM1 है, ठीक है, वो किसी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि वह मंथली अलाउंस दे फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, मैरिड डॉटर हु हैज अटेंड मेजोरिटी ब्रदर सिस्टर और फादर, तो किसको देगा, फादर को मेंटेनेंस करने के लिए देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमोंग इज द फॉलोइंग अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ ड्यू टू फिजिकल एबनॉर्मलिटी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। हु अमोंग इज द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा है जो कि अनेबल करने में अपने आप को असमर्थ है ड्यू टू फिजिकल एबनॉर्मलिटी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, और वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 125 CRPC। देखिए, इललेजिटिमेट माइनर अनमैरिड डॉटर, ठीक है, इललेजिटिमेट माइनर अनमैरिड डॉटर। नेक्स्ट है इललेजिटिमेट मेजर मैरिड डॉटर। देखिए, मैरिड डॉटर है और मैरिड है, तो वह अपने हस्बैंड से क्लेम करेगी अगर वो फिजिकली अबनॉर्मल है, तो फादर से क्लेम नहीं करेगी। ठीक है, इलेजिटिमेट माइनर मैरिड डॉटर, माइनर है, मैरिड है, तो फादर से ही करेगी। इलेजिटिमेट मेजर अनमैरिड डॉटर, इलेजिटिमेट मेजर अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए मेजर मैरिड डॉटर इलेजिटिमेट, ठीक है, ये क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑर्डर फॉर ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी डेट एज अ मैजिस्ट्रेट मे डीम फिट एंड प्रॉपर। तो देखिए, किस दिन से इंटरिम मेंटेनेंस और प्रोसीडिंग का एक्सपेंस देने के ऑर्डर किए जाएंगे, कब से पेएबल होगा, मतलब, तो क्या आंसर होगा हमारा इसमें, देखिए इसमें हमारा आंसर होगा सी, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, या तो ऑर्डर की डेट से या फिर एप्लीकेशन की डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC मंथली अलाउंसेज और इंटरिम मंथली अलाउंसेज फॉर मेंटेनेंस कैन बी ऑल्टर्ड। किस सेक्शन में मंथली अलाउंस को या इंटरिम मंथली अलाउंस को ऑल्टर किया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन है, 127 में ऑल्टरेशन ऑफ अलाउंसेज है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ठीक है, इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, सही है, इफ हैज रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजन, ये भी सही है, सी देखते हैं, इज लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट, ये भी सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 द ज्यूरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC टू ग्रांट मेंटेनेंस टू मुस्लिम वुमन। ये क्या कहते हैं कि जब मुस्लिम वुमन एक्ट 1986 इनेक्टमेंट हो गया, ठीक है, इनेक्ट हो गया, उसके बाद सेक्शन 125 के अंडर ज्यूरिस्डिक्शन में
मतलब सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंदर मुस्लिम वुमन का जो मेंटेनेंस लेने का राइट है उसको क्या किया गया, रिटेन किया गया, सीज किया गया, लिमिटेड किया गया, नन ऑफ द अबव। तो रिटेन किया गया क्योंकि अभी भी किसी भी धर्म की महिला सीआरपीसी में क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस विच कैन बी ऑर्डर्ड बाई मजिस्ट्रेट मंथली अलाउंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973। हमारा आंसर होगा नो लिमिट। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अंडर सेक्शन 125(4) ऑफ सीआरपीसी हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, ओनली अ वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, ठीक है, ओनली अ वाइफ लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट, ये भी सही है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी आर करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, बिल्कुल सही है, मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, ठीक है, ये भी एंटाइटल नहीं है क्योंकि मैरिड डॉटर है और मेजर है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं तो ये भी क्लेम नहीं कर सकती, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल बाई मैजिस्ट्रेट टू ग्रांट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ये कहे कि निम्न में से कौन सा ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल माई मजिस्ट्रेट टू ग्रांट मेंटेनेंस। देखते हैं, शी इज़ लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट तो मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करेंगे, शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री तो भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, शी इज़ लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशेंट रीजन तो भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करेंगे, शी इज़ सपोर्टेड बाई हर पेरेंट्स, ठीक है, तो ये क्या बोला है देखो कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल बाई मजिस्ट्रेट टू ग्रांट मेंटेनेंस। मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस ग्रांट करने को रिफ्यूज करे, मना करे, इसके लिए कौन सा ग्राउंड नहीं हो सकता। तो अगर कोई लड़की या कोई भी किसी की वाइफ है डिवोर्स्ड, वह अपने पेरेंट्स के द्वारा सपोर्ट की जा रही है, तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट मना नहीं करेंगे कि हस्बैंड नहीं देगा, ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ए प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इज एसेंशियली ए, देखिए सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो प्रोसीडिंग है वो कैसी मानी गई है, सिविल प्रोसीडिंग, क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्वाजी सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो उसको क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग माना गया है, ठीक है, सेक्शन 125 सीआरपीसी को। हाउ मच अमाउंट ऑफ मंथली मेंटेनेंस मे बी अवॉर्डेड इन फेवर ऑफ ए वाइफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, कि कितना मंथली मेंटेनेंस अवॉर्ड किया जाएगा, तो एनी अमाउंट, ठीक है, एनी अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट इन करेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन 125(4) सीआरपीसी वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल टू मेंटेनेंस अलाउंस इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, ठीक है, शी रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशियंट रीजन, शी इज लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट, सी एम्ब्रेसेज सम अदर रिलीजन, यह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं, कि इनकरेक्ट आंसर देखना है कि 125(4) में वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल टू मेंटेनेंस अलाउंस इफ, तो इसमें ये रीजन नहीं है, है ही नहीं ऑप्शन सी एम्ब्रेसेस सम अदर रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी व्हाट पेमेंट्स पर मंथ कैन बी ऑर्डर्ड फॉर मेंटेनेंस, तो नो लिमिट या एज मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, यही आंसर इसमें दिए जाते हैं, एज द मजिस्ट्रेट डीम्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पेबल पर मंथ इज, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वॉज रिमूव्ड इन, ये क्या कह रहे हैं कि पहले क्या था, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स थी कि 500 रुपीज मैक्सिमम थे जो कि वाइफ को पे किए जाते थे एज अ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, इसको कब रिमूव किया गया, तो
कब रिमूव किया गया, 2001 में इस लिमिट को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वीमन हुज मैरिज हैज़ बीन अनल्ड बाई ए डिक्री ऑफ नलिटी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सीक्स मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीजी एज अगेंस्ट हर हस्बैंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, द वुमन वुड सक्सीड एज द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑल वुमन, बी ए द वुमन वुड सक्सीड एज इवन एन एक्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस, सी ए द वुमन वुड सक्सीड एज हर मैरिज वॉज ब्रॉट टू एन एंड थ्रू जुडिशियल प्रोसेस, और डी है द वुमन विल नॉट सक्सीड एज एन एक्स वाइफ। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें आंसर, द वुमन वुड सक्सीड एज इवन एन एक्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, दोबारा आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, एक वुमन जिसकी मैरिज को अनल्ड किया गया भाई ये डिक्री ऑफ नलिटी मतलब एंड कर दिया गया उसकी मैरिज को, ठीक है, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो वो मेंटेनेंस मांगते हैं सीआरपीसी 125 के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट हर हस्बैंड, तो कौन सा करेक्ट है इसमें, तो वुमन सक्सीड एज इवन एन एक्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस ऑल पर्सन्स बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ए पर्सन कैन नॉट बी आस्क टू मेंटेन द फॉलोइंग, हिज वाइफ हु हैज ऑब्टेंड डिवोर्स फ्रॉम हिम ये तो मांगेगी, हिज माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ये भी एंटाइटल्ड है, हिज सिबलिंग्स सिबलिंग्स मेंटेनेंस नहीं मांगेंगे, हिज पेरेंट्स पेरेंट्स भी मांगेंगे, सिबलिंग्स मतलब उसके ब्रदर एंड सिस्टर ये एंटाइटल नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज टू डिसाइड मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट ऑथराइज है सीआरपीसी के 125 में, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट रॉन्ग आंसर, एन ऑर्डर मेंटेनेंस मे बी पास्ड ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस मे बी पास्ड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी वेयर अ पर्सन नेगलेक्ट और रिफ्यूजेज टू मेंटेन हिज वाइफ इवन इफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखिए, रॉन्ग आंसर देखना है आपको, ठीक है, मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया जाता है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में जहाँ पर कि पर्सन नेगलेक्ट कर देता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से हिज वाइफ इवन इफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, मतलब उसकी वाइफ जो कि म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है तो उसमें ये क्या करता है, नहीं होगा ऑर्डर। ठीक है, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, ठीक है, इस केस में हो जाएगा, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हु इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजुरी अनेबल टू मेंटेन इट्सेल्फ, और डी है इज फादर और मदर, ये भी सही है। तो रॉन्ग क्या होगा इसमें, रॉन्ग होगा ए हिज वाइफ जो कि म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है तो वह इसमें नहीं मांग सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज मेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हु एल्स कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन, माइनर यंगर ब्रदर अंकल अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ ग्रैंड पेरेंट्स और विडो सिस्टर। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी एमपी में प्रोविजन है कि वहाँ पर मांग सकते हैं मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी इज, तो नो लिमिट फिक्स्ड, इसमें क्या आएगा, नो फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, डी ऑप्शन, वन मिनट, नो फिक्स्ड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125(4) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, वाइफ हर सेल्फ अर्निंग मनी ये तो नहीं है, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट ये है 125(4), वुमन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाई हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड ये तो मांगेगी क्लेम, वुमन हु हैज़ ऑब्टेंड डिवोर्स्ड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 125(4) में बी ऑप्शन दे रखा है, बाई म्यूचुअल कंसेंट लिविंग सेपरेटली। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी माइनर मींस ए पर्सन हु हैज
नॉट अटेंड द एज ऑफ 14 ईयर्स, नॉट अटेंड द एज ऑफ 16, नॉट अटेंड एज ऑफ 18 एंड 21 ईयर्स, तो 125 सीआरपीसी में माइनर का मतलब क्या बताया है, नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी द डेफिनेशन ऑफ वाइफ इंक्लूड्स, वाइफ की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है, डिवोर्स्ड वाइफ हु इज नॉट रीमैरिड, ठीक है ये तो इंक्लूड है, वाइफ लिविंग सेपरेटली विद द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, ठीक है ये नेक्स्ट देखते हैं एक मिनट, डिवोर्स्ड वाइफ हु इज रीमैरिड और वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, तो हमारा आंसर होगा डिवोर्स्ड वाइफ जो कि रीमैरिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी द रेमेडी इज, अपील इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, रिविजन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सी है अपील इन हाई कोर्ट और डी है रिविजन इन हाई कोर्ट। तो देखिए, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी रेमेडी इज रिविजन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, रिविजन होगा इसका, ठीक है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाइफ विल बी एंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस होगा इसमें, व्हेन हस्बैंड द्वारा, क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाइफ विल बी एंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कब एंटाइटल होगी, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वन मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, वन मिनट, हमारा क्वेश्चन नंबर है 488, ये रहा देखिए, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो अलग रह रहे हैं तो वाइफ एंटाइटल नहीं होगी, व्हेन शी इज लीडिंग अडल्ट्रस लाइफ, अडल्ट्री में रहती है तो भी नहीं होगी, व्हेन शी इज इनकम टैक्स पे ही तो भी वह एंटाइटल नहीं है, व्हेन शी हैज गॉट डिवोर्स तो वाइफ एंटाइटल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए डिवोर्स्ड वुमन क्लेम्स मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड शी विल सक्सीड इफ शी इज नॉट अ मुस्लिम, रॉन्ग, शी विल सक्सीड इवन इफ शी इज अ मुस्लिम, शी विल नॉट सक्सीड एट ऑल, द हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू मेंटेन हर नाउ। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज पे ही जाना है आपको, यदि एक डिवोर्स्ड वुमेन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से तो इसमें क्या कहा है, शी विल सक्सीड इफ शी इज नॉट ए मुस्लिम, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, शी विल सक्सीड इवन इफ शी इज ए मुस्लिम, यदि वह मुस्लिम है तो भी वह सक्सीड हो जाएगी, ये बात तो सही है। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, शी विल नॉट सक्सीड एट ऑल, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, द हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू मेंटेन हर नाउ, कि अब डिवोर्स हो गया तो वह हस्बैंड बाउंड नहीं है मेंटेन करने के लिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा क्या होगा आंसर, शी विल सक्सीड इवन इफ शी इज अ मुस्लिम, ठीक है, क्योंकि ऑल रिलीजन्स पर यह एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट अमाउंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी फॉर मेंटेनेंस वॉज एडजस्टेबल अगेंस्ट द एलिमनी अमाउंट अवॉर्डेड इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड वॉज नॉट टू बी गिवन ओवर एंड अबव द सेम। ये क्या कह रहे हैं, किस केस में यह कहा गया कि जो अमाउंट अवॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए जो अमाउंट दिया जाए जा रहा है वो एडजस्टेबल होगा अगेंस्ट द एलिमनी, जो एलिमनी दी जाती है, एलिमनी अमाउंट अवॉर्डेड इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग, ठीक है, मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में जो एलिमनी अवॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड वॉज नॉट टू बी गिवन ओवर एंड अबव द सेम, ठीक है। तो ये किस केस में कहा गया है, सुदीप चौधरी वर्सेज राधा चौधरी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए डिवोर्स्ड वाइफ इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस बिकॉज शी इज नॉट अ वाइफ, ये तो रॉन्ग है, ए वाइफ कैन नॉट गेट मेंटेनेंस शी हैज ऑब्टेन डिवोर्स, ये भी रॉन्ग है, ए वाइफ कैन नॉट गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इफ शी हैड बिन डिवोर्स्ड, ये भी रॉन्ग है, ए वाइफ कैन गेट मेंटेनेंस इफ शी हैज ऑब्टेन डिवोर्स और हैज बिन डिवोर्स्ड बाई हर हस्बैंड, ठीक है ये राइट है,
यदि उसने डिवोर्स ले लिया है या उसके हस्बैंड के द्वारा डिवोर्स दिया है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैन बी चैलेंज्ड बाय द अनसक्सेसफुल पार्टी बाय फाइलिंग अ रिवीजन। ठीक है, कह रहे हैं कि एक ऑर्डर कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास कर दिया गया 125 सीआरपीसी में, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है अनसक्सेसफुल पार्टी के, तो मतलब जिसके अगेंस्ट आया ना ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में आया है वो चैलेंज कर सकता है बाय फाइलिंग अ रिवीजन, एक रिवीजन लगवा कर, रिवीजन फाइल करके। किस कहाँ लगवाएगा रिवीजन? ओनली बिफोर सीजेएम, बिफोर सेशन जज, बिफोर हाई कोर्ट, आइदर बिफोर सेशन जज और हाई कोर्ट। तो आंसर होगा आइदर बिफोर द सेशन जज और हाई कोर्ट, दोनों में से कहीं पर भी वो अपना रिवीजन लगवा सकता है केस का। नेक्स्ट देखिए, ए मियर प्ली ऑफ डिवोर्स वुड नॉट बी सफिशियंट टू डिसएंटाइटल अ मुस्लिम वाइफ फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 वाज लेड डाउन। मतलब डिवोर्स की प्ली लगाना, ठीक है, मियर प्ली ऑफ डिवोर्स ये सफिशियंट नहीं होगा कि मुस्लिम वाइफ को डिसएंटाइटल करे कि वह मेंटेनेंस क्लेम करेगी अंडर सेक्शन 125 वाज लेड डाउन इन। किस केस में कहा गया है? डैनियल लैटिफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी बाय फादर अगेंस्ट हिज सन हैज टू बी फाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट। ये क्या कह रहे हैं? मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जो कि फादर के द्वारा लगाई जा रही है, मतलब फादर अपने सन से मांग रहा है मेंटेनेंस, तो वह फाइल की जाएगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वेयर द सन रिजाइड्स, वेयर बोथ ऑफ देम लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, वेयर द फादर रिजाइड्स और वेयर द मदर रिजाइड्स। तो ये क्या आ रहा है इसमें कि फादर सन के खिलाफ, सन के अगेंस्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, किस डिस्ट्रिक्ट में करेगा? वेयर द सन रिजाइड्स, जहाँ पर कि सन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द राइट अबाउट सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी? द मैजिस्ट्रेट कैन इंक्रीज द मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है, बी देखिए, द मजिस्ट्रेट कैन डिक्रीज द मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस, द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर कैंसिल द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि ऑल्ट्रेशन ऑफ अलाउंसेज का है 127, तो इसमें कैंसिल भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन, मेंटेनेंस के ऑर्डर को इन्फोर्स करवाना किस सेक्शन में है? 125, 128, 126, 127। तो किस में है हमारा? 128 में है इन्फोर्समेंट करवाना। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट देखते हैं। हु कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी फ्रॉम अ पर्सन हैविंग सफिशियंट मींस हु नेगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हरसेल्फ। मेंटेनेंस कौन क्लेम नहीं कर सकता? फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, ये तो कर लेंगे। इललेजिटिमेट माइनर चाइल्ड अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, ये भी करेगा। वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ये भी करेगी। ब्रदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, ये नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हु कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी? कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर मेल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, भी देखते हैं। इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मैरिड माइनर चाइल्ड हु इज अनेबल टू मेंटेन इट्सेल्फ। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। हु कैन क्लेम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है? ठीक है, डिवोर्स्ड वाइफ हु हैज नॉट रीमैरिड, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन का कहता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर मेल चाइल्ड। मेजर मेल चाइल्ड है, मेजर है, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, लेकिन वो फिजिकल और मेंटली अगर एबनॉर्मल है, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मैरिड माइनर चाइल्ड, माइनर है, ठीक है, हु इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, तो वो तो करेगी ही। डिवोर्स्ड वाइफ जो कि रीमैरिड नहीं है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम करेगी, तो ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी आर, ठीक है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे हैं, समरी इन नेचर बट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट देखिए, समरी इन नेचर एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइंड बाई ए सिविल कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, सब्सटैंटिव इन नेचर एंड फाइनली डिटरमाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। डी देखिए, सब्सटैंटिव इन नेचर एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ए राइट ऑफ द पार्टीज बाई ए सिविल कोर्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए जो ऑर्डर है 125 में, समरी इन नेचर एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइंड बाई ए सिविल कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। ठीक है, कौन एंटाइटल है मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी में, ए डिवोर्स्ड हिंदू वीमन हु इज नॉट रीमैरिड एंड अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ये तो है एंटाइटल, ए वुमन अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ हु वाज लिविंग विद द मैन। देखिए, वुमन जो कि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ हु वाज लिविंग विद द मैन एज हिज मिस्ट्रेस, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि वो मिस्ट्रेस बनकर रह रही है किसी और के साथ। ए वुमन लिविंग इन अडल्ट्रस लाइफ, ये भी नहीं है, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, ए डिवोर्स्ड हिंदू वुमन जो कि रीमैरिड नहीं की है उसने, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 127 सीआरपीसी प्रोवाइड्स ऑल्ट्रेशन ऑफ अलाउंस, ऑल्ट्रेशन ऑफ मंथली और इंटरिम मंथली अलाउंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्डर फॉर ऑल्ट्रेशन इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस कैन बी मेड बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। एनी पर्सन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 125 टू पे मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 125 टू पे मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, बहुत ए एंड बी। देखिए, ए में क्या था, कोई भी पर्सन जो कि सेक्शन 125 के अंदर मंथली अलाउंस ले रहा है फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, और बी ऑप्शन भी बहुत कुछ मैच कर रहा है, एनी पर्सन जिसको ऑर्डर किया गया है 125 में कि वह मंथली अलाउंस पे करे फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, ठीक है, रिलेटिव वाला ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू ओनली हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम ऑल पर्सन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। तो सीआरपीसी 125 अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 9 यहाँ 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके आगे हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 10, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए और भी लोगों को, जिससे सभी लोग फ़ायदा उठाएँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा आपके वीडियोज़ बनाऊँ और आपको हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।